Love so you feel like we're home then. आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ? अरे यार, स्वाइपिंग लेफ्ट स्वाइपिंग राइट, नाम वैसे बदनाम हो चुका है तो अब करने लगूंगा मैं, या तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा या फिर मुझे रोना आ जाएगा. एंड आई थिंक दिस इज खाना है, खाना दिस इज खाना. इधर ड्रामा नहीं मिलेगा, उधर तो बहुत ज्यादा मिलेगा. हाय, मैं हूँ जिया. हेलो जिया, तुम्हारी जिया. आई डू द शो लाइट्स आउट विच इज अबाउट इश्क, प्यार, मोहब्बत. अरे हाउ नाइस, आफ्टर लाइट्स आउट. Lovely. So we feel like we're home then. Yes. Thank you so much for having us, dear. I'm so happy to see you all and many, many congratulations. Thank you. You guys look fantastic. Thank you. I'm so happy to see you in the studio of Red FM. Yes. We're so happy to be here. So ये है movie इश्क विश्क रिबाउंड. ये movie जो हमें आज तक याद है और इस मूवी का काफी इम्पैक्ट है और इसके जो स्टार कास्ट है, रोहित सराफ, जिब्रान खान, पश्मीना रोशन एंड नायला गरेवाल, ये सारे मेरे स्टूडियोज में मेरे साथ, इतने यंग, इतने हैंडसम, यू नो लाइक वाओ वाली फीलिंग आ रही है मुझे. मेरे लिए तो लाइट्स आउट अभी हो चुका है. Wow. इश्क विश्क, आपने ये फिल्म देखी होगी, लाइक जैसे मालूम पड़ा कि ये आपको इस पे काम करना है अब, तो क्या सबसे वापस से जाके देखा आपने मूवी या फिर यू जस्ट रिमेम्बर्ड कि हाँ ऐसी मूवी है? मैं तो इतनी बार देख चुका हूँ कि आई डोंट थिंक आई हैड टू गो बैक टू वॉच इट अगेन. ऑफ कोर्स, बट जस्ट फॉर फन, आई थिंक आई रिमेम्बर एक दिन पहले जब हम पुणे जाने वाले थे, हमारा फर्स्ट शेड्यूल वाज इन पुणे एंड वी वर गोना शूट अ सॉन्ग देयर and a couple of scenes. Before that, I remember one day before that, my mom was in town and hum sabne actually, meri mom, meri didi, both my sisters and I, we all sat down and we watched Ishq Vishq, which was released in 2003, you know, 21 years ago, and we had a blast because that film is just such a cult film that I don't think anyone would ever get bored of that. And now to think that we're all a doing part this. Of that franchise, I think it's just amazing. Gosh. It's yes. completely and nostalgia reloaded. वो जो movie है, उसका impact काफी ज़्यादा था. Young पे, college students पे, हम पर. So tell me, ये कह रहे कि नहीं, ये उसका कोई part two नहीं है. जी. ये नहीं है. What this film is about? कहानी तो same है. प्यार की कहानी है. Obviously, it's not a sequel. It's not a remake. What's similar is जो प्यार में कन्फ्यूजन होता है वो 2003 में भी था और अभी 2024 में भी है. तो इट्स अ स्टोरी अबाउट यंग लव एंड इट्स अ स्टोरी अबाउट द कन्फ्यूजन दैट कम्स विद यंग लव. आई थिंक जो था ना कि पहले इश्क विश्क में उस जमाने का जो एक प्यार का माहौल था वो इश्क विश्क ने बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया था. एंड दैट्स व्हाई इट वाज दैट क्विंटेसेंशियल चॉकलेट बॉय एरा ऑफ शाहिद कपूर, राइट, दैट वी ऑल फेल इन लव विद. एंड इसमें क्या है कि आज के ज़माने का प्यार है, जो तड़का होता है आज के ज़माने का प्यार में, जो हमारे डेटिंग एप्स होते हैं, स्वाइपिंग लेफ्ट स्वाइपिंग राइट, सिचुएशनशिप कहा जाता है, तो रीबाउंड आज की कहानी है. आज के है. जो युवा पीड़ा है, पीढ़ी है, उनके लिए है. सो इट्स लाइक अ जेंजी स्टोरी. इट हैज अ लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ इमोशन, सॉन्ग, डांस, व्हाट हैज बीन मिसिंग. तो वी आर ब्रिंगिंग ऑल दैट बैक मैम. Okay. And I hope we can do justice to that. Yeah. Okay, so like you said, situationship hai, back coming hai. Is type ki jo situations abhi aa rahi hain pyar mein. To ye rebound ka meaning kya hai jab aap love? Rebound technically to wo hota hai jab aap ek relationship se nikalte hain and turant next. Before you can completely process yeah. what happened. The relationship that you were in, you don't give yourself enough time. And you're in a hurry to move on, which is why you jump from one relationship into another one. That's essentially a rebound relationship. आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ? मैंने तो नहीं किया. शायद मुझ पे हुआ है, मुझे नहीं पता. Like for me, it has not happened. नहीं हुआ. Thankfully. Okay. ये जो रोल आप लोगों को मिला. ओके, पहले तो ये रोल कैसे मिला? And I think आप लोगों ने वर्कशॉप किया. I was मैं आप लोगों के वीडियोस देख रही थी जहाँ पर आपने काफी तंग किया इनको. अरे यार, ये इन्होंने ना एक ये शो आई डोंट अंडरस्टैंड कहां से, बट ठीक है, कंट्रोवर्सीज वेयर वी लाइक जहां से मिल जाए वहां से उठा लो टाइप. मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो मैंने किया तो नहीं लेकिन नाम वैसे ही बदनाम हो चुका है तो अब करने लगूंगा मैं. तो अब देखो अब मैं इसको कैसे तंग किया. नहीं, तंग तो बिल्कुल नहीं किया. इनफैक्ट बहुत हेल्पफुल थे मेरे साथ,
लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा, इनका ऑन एंड ऑफ स्विच होता है, तो आपको पता होना पड़ता है कि जब उनका ऑफ स्विच है तो छेड़ो मत इनको, ना हंसी मजाक करो, उनको अपना उनको स्पेस दे दो. हाँ. तो वो मुझे समझ आ गया था. तो इनका यही चलता है ना. Am I wrong? I'll tell you what. There's this one thing which it's a problem. I should be more articulative about it. मुझे बता देना चाहिए कि you know this is what I'm feeling right now. So I don't want to talk. That usually is either if I'm underslept or if I have not eaten. Okay. Underslept I'm still managing to deal with now क्योंकि I feel like last couple of months थोड़ा hectic रहा है तो नींद कमी मिल रही है but I'm able to manage that now. But जब मुझे भूख लगी होती है मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मुझसे बात करेगा या तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा या फिर मुझे रोना आ जाएगा. तो I just can't handle hunger. That's all. And I think this is खाना है. This is खाना चाहिए. ये दोनों रोहित और जिब्रान बड़े मस्ती खो रहे हैं. और ये एक्चुअली नायला का मतलब ये है कि मस्ती बहुत करते हैं हमारे साथ दोनों लड़कियों. So that's why girls have to be strong and team up like sisters. And stay together. जितनी मस्ती करते हैं उतना ही प्यार देते हैं. They're very sweet boys. That I realize. Yeah. Cute boys. I was just trying to find some controversy. चलो good damage control they've done now. क्या controversy you want to find in the film? It's there for sure. इधर ड्रामा नहीं मिलेगा, उधर तो बहुत ज्यादा मिलेगा. अच्छा, सो आपके रोल्स में फिट होने के लिए यू नो हाउ डिफिकल्ट इट वाज पास्ट के कंसीडर करते हुए थोड़ा प्रेशर तो फील हुआ रहेगा कि आपको यू नो यू हैव टू कम अप टू दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ द रोल्स. फर्स्टली इट्स अ ह्यूज डील व्हेन समबडी सेज दैट यू हैव टू फिल इन शाहिद्स शूज. आई डिडंट फील लाइक दैट बिकॉज़ आई डोंट थिंक आई एम प्लेइंग हिज पार्ट. लाइक वी हैव मेंशन, ये बहुत ही अलग स्टोरी है. इसमें दिस इज नॉट बेस्ड इन स्पेंसर्स कॉलेज, दिस इज नॉट राजीव माथुर, यू नो दिस इज नॉट, इट्स नॉट द सेम कैरेक्टर, इट्स अ कम्प्लीटली न्यू यूनिवर्स. बट एंड वॉट इज कॉमन बिटवीन द टू फिल्म्स विच इज इश्क विश्क एंड इश्क विश्क रीबॉर्न बिटवीन 2003 एंड 2024 इज दैट इट टॉक्स अबाउट लव एंड दैट इज यूनिवर्सल. सो आई फील लाइक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू नो दैट इट्स नॉट द सेम स्टोरी. एंड मेरा रोल शाहिद सर का रोल बिल्कुल भी नहीं है. दिस इज दैट वॉज राजीव एंड दिस इज राघव. आई नो बहुत सिमिलैरिटीज है बट दैट्स जस्ट बिकॉज यू नो वी वॉन्टेड सम सॉर्ट ऑफ नॉस्टैल्जिया इन द फिल्म. सेकेंडली आई थिंक preparation I don't think it was difficult in that sense. Of course there was workshop which massively helped. I think sabse zyada mushkil part mere liye ye tha. This film is about friendship, it's about four people, it's about coming of age, and I feel like it's about relationships that are intertwined with one another. Yeah. And I feel to be able to play that and to be able to convince the audiences, खुद में केमिस्ट्री होना बहुत जरूरी है. यू नो बिकॉज एसेंशियली यू आर टॉकिंग अबाउट फोर पीपल हु हैव नोन ईच अदर फॉर इयर्स, राइट? सो आई फील लाइक टू बी एबल टू कन्विंस पीपल विद दैट यू नीडेड टू नो वन अनदर रियली रियली वेल. यू नो टू यू हैव टू हैव सम ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री टू बी एबल टू शोकेस अ लॉट ऑफ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री. सो आई फील लाइक द ओनली चैलेंज फॉर मी वॉज दैट बिकॉज वी जस्ट डिडंट हैव एनफ टाइम विद ईच अदर बिफोर दैट. मतलब अगर हम फिल्म शुरुआत कर रहे थे उसके हमने दो हफ्ते पहले वी गॉट टू नो दैट ओके दीज आर द लॉक्ड कास्ट एंड देन वी हैड लाइक 5 days ऑफ वर्कशॉप. सब्जेक्टिव आई थिंक दैट वॉज द चैलेंजिंग पार्ट फॉर मी बट आई एम सो ग्लैड फॉर दोज वर्कशॉप्स बिकॉज दोज वर्कशॉप्स रियली रियली हेल्प्ड ऑल ऑफ अस. एंड आई फील लाइक ऑल्सो ओवर द कोर्स ऑफ द फिल्म इट वॉज such a bonding experience for us that I feel like I've known these guys for since I was a kid. Okay. That happened organically. It happened a little in the workshops for sure. Like I felt like these are my friends and I knew things about them that I wouldn't otherwise know. Kyunki workshop mein hame thoda open up karna tha apne personal experience ke saath. But jo film mein the experience we shared together, that brought us really close and I feel like now I can say for certain that these guys are going to be there with me for life. Yeah. Like they're my friends for life and they're special to me. Absolutely. I think what really helped is that all of us, we started from ground zero. Ground zero. You know, exactly. and it's really incredible. Of course, it's fantastic when you're on sets with like veteran actors of you know, who are seasoned and then, you know, they're like working actors who've done lots of work and, you know, who are stars and mega stars. But I think there's something really, really special about the fact that four people who just want to do films, who just who've had this one shared dream of becoming an actor, of seeing themselves on a big screen. Yeah. You know, who are all so grateful about the fact that we got to be a part of such a massive franchise. Right. And I think jo shuruaat ek saath kari, I think that really, really helped us. Yahan par hum khatam karte hain.
एंड आई विश यू ऑल द वेरी थैंक यू। ये मूवी बहुत अच्छा करने वाली है, इश्क विश्क रिबाउंड। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी बिकॉज मुझे देखना, लाइट्स आउट ये शो के लिए मुझे जानना है कि ये लव रिबाउंड कैसे होगा। बिल्कुल, और ये टॉपिक भी हम लेंगे शो पर कि जरूर देखिएगा मैम, 21st जून प्लीज डू वॉच आवर फिल्म। थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू जी, दिस इज सो फन रियली।